एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर जो कि है राजस्थान में। और अगर हम राजस्थान में हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे इतिहास हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जिन्हें कवर करना बनता है अगर आप राजस्थान में हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास राजस्थान वाला व्यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग, कैंपिंग, एडवेंचर, हिस्टोरिकल, डिवोशनल, हर तरीके का ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं और बाय टाइटल आप समझ गए होंगे कि हम आए हैं आज रामदेवरा टेम्पल। और रामदेवरा टेम्पल, रामदेवरा मंदिर या रामदेवरा जो रामदेव जी थे उनकी समाधि है यहाँ पर, और उस समाधि को कवर करके वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। यानी कि इस मंदिर की जो खासियत है वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, उसके अलावा भी इसके आसपास में जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, हर जगह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ की बहुत मान्यता है। और आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वो एक बहुत ब्यूटीफुल मार्केट के साथ स्टार्ट हो चुका है। और हर मंदिर के आसपास जिस तरीके की नॉर्मल दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड और हर तरीके का नॉर्मल सामान मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। पार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, पार्किंग की कोई इशू नहीं है, आपको पेड पार्किंग भी मिल जाएगी और कहीं कहीं पर आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कब विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आने का भी एक टाइम होता है, जो एक परफेक्ट टाइम आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये जो चीज़ है ये लुबान है, जिसे धूप या लुबान जो हम लोग मंदिर में जलाते हैं वो है, यहाँ पे बहुत लूज में मिलती है यहाँ पे। तो और वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, मैंने लिया था, अगर आप भी पूजा में यूज़ करते हो तो ज़रूर ट्राई करना, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी थी। और हम राजस्थान में हैं तो आप लाख की बैंगल्स वगैरह भी देख सकते हो, मैंने जो भी लिया मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर आप भी कुछ लेना चाहते हो तो आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। बहुत बड़ा एरिया है। और इसके बाद हमारा जो मंदिर है वो अब जो मेन मंदिर है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और रामदेवरा जी के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। और मेरी वीडियो के थ्रू आज मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ रामदेवरा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने बहुत सुना था यहाँ के बारे में और आज मुझे मौका मिला तो मैंने ज़रूर सोचा कि मैं विज़िट करूँ और वीडियो भी बनाऊँ ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी पता चले कि इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है, किस वजह से जो लोग हैं रामदेवरा जी को, जो रामदेव जी हैं उनको इतना मानते हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा अमाउंट में जो लोग हैं वो दर्शन के लिए हर पूरे साल भर आते रहते हैं। तो मंदिर में चलते चलते मंदिर की आगे की जो भी कहानी है, जो इतिहास है और जो जो सारी चीज़ें जुड़ी है मंदिर से रिलेटेड हम सब जानेंगे। और देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो आसपास लगी हुई है, तो खाने पीने का भी हर चीज़ का अरेंजमेंट है यहाँ पर। और क्यों आप राजस्थान से अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आपको बस जो ट्रेन है, बसेस है, इजीली अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रामदेवरा टेम्पल है वो पोखरण से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और पोखरण भी बहुत जानी मानी जगह है राजस्थान में। तो आपको वहाँ से ऑटो, बसेस, ट्रेन वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आराम से आ सकते हैं, आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद जो हमारा मंदिर है, मेन मंदिर जो है इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है और मंदिर में एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आराम से आपके दर्शन कर सकते हैं। और बेसिकली गाइस जो ये रामदेवरा जी हैं और रामदेव जी हैं जो हैं उनकी ये समाधि है, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। तो 1459 के आसपास महाराजा गंगा सिंह जी ने समाधि के आसपास मंदिर बनवाया ताकि जो भी श्रद्धालु हैं, जो रामदेव बाबा जी में विश्वास रखते हैं, जो मानते हैं, जिनकी श्रद्धा है, वो सारे लोग आके आराम से यहाँ पर दर्शन कर सके। और जो मुझे बहुत एक प्यारी चीज़ लगी, एक बहुत बड़ी खासियत लगी कि जितनी श्रद्धा हिंदुओं में रामदेव बाबा जी की है, जितना हिंदू उनको मानते हैं, उतना ही मुस्लिम्स में भी रामदेव बाबा जी को बहुत माना जाता है। उनके लिए वो रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं और हिंदुओं में जो बाबा रामदेव हैं उनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, जिस वक्त वो एक अपनी नॉर्मल एज में थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत चमत्कार किए। और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक तोमर परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने बिना राजा बने लोगों की बहुत सेवा की।
चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों या वो किसी भी कास्ट से हों, उन्होंने सबको साथ में रखा, सबकी वो बहुत ज़्यादा मदद करते थे, सबको एक साथ चलना सिखाते थे, जिस वजह से लोगों में उनकी बहुत श्रद्धा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग स्टेट में लोग भगवान को बहुत मानते हैं। तो अगर आप लोकल लोगों से बात करेंगे या लोकल लोगों से पूछेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जानने को मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हम लोगों को अभी भी नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं। तो सब लोगों से अगर आप बातचीत करोगे तो सब लोगों से आपको कुछ डिफरेंट ही पता चलेगा। और जिस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे थे वो एक परफेक्ट टाइम था यहाँ पे दर्शन का, और वैसे भी हमें आइडिया नहीं था कि मंदिर में आरती का जो टाइम होता है वो कब होता है। तो सारी चीज़ें, जो भी टाइमिंग वगैरह रहेगी, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर के ही साथ जुड़ा हुआ राम सागर तालाब है, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव इसी राम सागर तालाब में स्नान किया करते थे, और उसके बाद जो भी श्रद्धालु उनसे मिलने आया करते थे, जिनकी बहुत श्रद्धा थी, वो भी यहाँ पर स्नान किया करते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारे दर्शन हैं, हमने वो दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइन होती है, वहाँ पर वीडियो फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो हमने हमारे दर्शन जो हैं वो कर लिए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है, उनकी जो पूरी स्टोरी है उसको यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, और मंदिर में रामदेव जी की भी बहुत बड़ी खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं, और सजे हुए घोड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और मुझे ये वॉल बहुत ब्यूटीफुल लगी क्योंकि उनकी पूरी जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ था और किस तरीके से सारी चीज़ें की, और उन्होंने एक राक्षस को भी मार गिराया था, तो वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से मंदिर में हमेशा यहाँ पर भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते रहते हैं। और यहाँ पे आने का जो टाइम रहेगा परफेक्ट, कब आप आ सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भजन हो रहे थे यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ पे ज़रूर बैठिएगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डाली बाई हैं, इन्हें रामदेव बाबा की सिस्टर हैं, ये उनकी बहन है, और यहाँ पे इनको श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी की समाधि लेने से 3 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, उसके बाद बाबा रामदेव ने 3 दिन बाद इनके पास में आगे उधर समाधि ली थी। तो इनका भी यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है और इनको श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है। पर आगे, क्योंकि हम एक परफेक्ट टाइम पे पहुंचे हैं, तो अब आरती शुरू होने वाली है, तो चलिए चलते हैं आरती में। तो गाइस, शाम को जो मंदिर में आरती का टाइम है वो 4:30 बजे के आसपास है, और आप देख सकते हैं ये भी रामदेव भगवान के वंशज हैं जिनका मंदिर में यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पे भी लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं, पूजा करते हैं।
और अब हम जा रहे हैं पर्चा बावड़ी की तरफ, और आगे चल के मैं आपको पर्चा बावड़ी की भी खासियत बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रामदेवरा में हर साल अगस्त और सितंबर के आसपास बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, और इस मेले में बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, और कम से कम ये मेले में 50 लाख तक भी लोग आते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा मेला होता है, जहाँ पे हमेशा पूरी रात आरती भजन कीर्तन चलता रहता है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मेले में ज़रूर शामिल होइएगा, ये भी एक बहुत बड़ा और अलग एक्सपीरियंस है। और ये आप देख सकते हैं कि पर्चा बावड़ी में हम लोग पहुँच चुके हैं। पर्चा बावड़ी की भी अपनी एक खासियत है, यहाँ पर एक तालाब है, राम सरोवर तालाब, तो जिसका निर्माण है, जो राम सरोवर तालाब है वो भी रामदेव जी ने बनाया था। यानी कि इस तालाब की ये खासियत है कि यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उन सारी नदियों का पानी एक साथ इस तालाब में आता है। और जिस टाइम में इस तालाब का निर्माण रामदेव जी ने किया था, उस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु आते थे और यहाँ पे स्नान करते थे, और बहुत मानते थे कि उनको अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी बहुत पुराने टाइम से कोई स्किन डिजीज़ टाइप का कुछ भी है, तो अगर वो इस तालाब में स्नान करते थे तो उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती थी, तो लोग बहुत मानते थे। और आज भी लोगों में बहुत श्रद्धा है, लेकिन अब क्योंकि कुछ टाइम के बाद से जो ये तालाब है ये बंद कर दिया गया है, यानी कि पहले के टाइम में लोग में जब इतनी ज़्यादा ये चीज़ फैल गई थी कि इस पानी में स्नान करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर लोगों की संख्या और बढ़ती रही, तो लोग सीधा आकर इस तालाब में कूद जाते थे और अपना सब बीमारी ठीक कर लेते थे और चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, कम करने के लिए इस तालाब को बंद कर दिया गया, यानी जाली वाली लगाकर बंद कर दिया गया। लेकिन तालाब में पानी आज भी वैसे ही है जिस तरीके से उस टाइम हुआ करता था, और एक पाइप डाल के उन्होंने एक प्लास्टिक का टैंक रखा हुआ है बाहर, तो उस टैंक में से आप जल ले सकते हैं और जल लेकर जा सकते हैं अपने साथ। तो वो सिर्फ बंद है क्योंकि आप उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जल अभी भी मिलता है वहाँ पे, तो उस टैंक में से आप लेके जा सकते हैं आराम से, देख सकते हैं आप। तो इन्होंने अभी उसको जाली वाली लगा के कवर कर दिया है। तो इस राम सरोवर तालाब की और इसे पर्चा बावड़ी की भी बहुत बहुत मान्यता है यहाँ पर, और क्योंकि वो बहुत चमत्कार किया करते थे इसलिए लोकल भाषा में उसे पर्चा देना कहते हैं, इसलिए इसका नाम पर्चा बावड़ी है। और यहाँ पे भी ऐसा छोटा सा मंदिर बनाया गया है। तो क्योंकि ये पीछे की तरफ मंदिर में पीछे की तरफ पड़ता है, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप इसका अभी नाम नोट कर लो और यहाँ पर भी ज़रूर जाना। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। इसी तरीके की खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस खूबसूरत जगह पर एक बार विजिट करना तो ज़रूर बनता है। और इससे पहले भी मैं करणी माता टेम्पल का एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसे देखना भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आप चाहते हैं कोई और पर्टिकुलर जगह जिसे मैं कवर करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।